हेलो स्टूडेंट, आज जो आपका टॉपिक है, आपका सब्जेक्ट वो है इंजीनियरिंग मटेरियल, और जो आपका टॉपिक है वो होगा आपका नॉन फेरस मेटल। ठीक है, मैं आप सभी स्टूडेंट को सबसे पहले जो है आपका लिंक सेंड कर देता हूँ। ये मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को आपका लिंक सेंड कर दिया है, और हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नॉन फेरस मेटल अधातु। आज जो आपका टॉपिक है वो है अधातु। अलोहा धातु है, अलोहा धातु है या नॉन फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल। ठीक है भाई, लोहा धातु या नॉन फेरस मेटल कौन से होते हैं? ऐसी धातु नहीं होता, ऐसी धातुएं, ऐसी धातुएं जिनमें लोहा लोहा नहीं होता, या अशुद्धि के रूप में होता है, या अशुद्धि के रूप में, अशुद्धि के रूप में होता है, या अशुद्धि के रूप में होता है। ठीक है, लोहा धातुए, लोहा अलोहा धातुए, अलोहा धातुए या अलोहा मिश्र धातु, मिश्र धातु कहलाती है। मिश्र धातु कहलाती है। जो हमारी नॉन फेरस मेटल है वो निम्नलिखित है। फर्स्ट हमारा आता है तांबा, सेकंड हमारा आता है जस्ता, थर्ड हमारा आता है सीसा, फोर्थ हमारा आता है सोना, फिफ्थ हमारा आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सिक्स्थ हमारा होता है टिन, सेवन्थ हमारा होता है चांदी, और एट हमारा होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम देखो भाई, जो हमारा लोहा अधातु होती है, लोहा धातु है, लोहा धातु कौन सी होती है? हमारी ऐसी धातुएं जिनमें लोहा नहीं होता या अशुद्धि के रूप में पाया जाता है, अलोहा धातुएं या अलोहा मिश्र धातु कहलाती है। जो हमारी लोहा धातु होती है वो निम्नलिखित है, जैसे हमारा तांबा, जस्ता, सीसा, सोना, एल्यूमिनियम, टिन, चांदी और मैग्नीशियम। इन सब के बारे में मैं भी आपको वन बाय वन क्या करूंगा, डिस्कस करता हूँ। ठीक है, हाँ, ठीक है।
फर्स्ट हमारा है लोहा धातु के गुण। अब हम बात करते हैं लोहा धातुओं के गुण। इनमें देखो फर्स्ट हमारा आता है ये निम्नलिखित घनत्व लो डेंसिटी वाले अर्थात भार में हल्के होते हैं। सबसे पहला हमारा गुण है इसका ये निम्न घनत्व वाले अर्थात भार में हल्के होते हैं। भार में क्या होते हैं? हल्के होते हैं। सेकंड है हमारा इनमें उच्च विद्युत एवं उष्मा चालकता होती है। ठीक है, इनमें क्या होती है हमारी इसमें उच्च विद्युत उष्मा चालकता होती है। ठीक है भाई, थर्ड हमारा है इनमें उच्च संरक्षण प्रतिरोधकता होती है। फोर्थ पॉइंट है हमारा इन पर रोलिंग फॉर्जिंग मशीनिंग आदि क्रिया आसानी से होती है। फिफ्थ है हमारा ये मन भवन रंग प्रदान करती है ठीक है भाई, जो हमारे लोहा धातुओं के गुण होते हैं उनमें फर्स्ट हमारा है ये निम्न घनत्व वाले अर्थात भार में बहुत ही हल्के होते हैं। जैसे कि जो हमारी एल्युमिनियम है ये हमारी क्या होती है? बहुत हल्की धातु होती है। ठीक है, इसमें उच्च विद्युत एवं उष्मा चालकता होती है। इनमें हमारा जो विद्युत का प्रभाव होता है वो बहुत अच्छी तरीके से होता है। ठीक है, इसमें उच्च संरक्षण प्रतिरोधकता होती है। ठीक है, इन पर रोलिंग फॉर्जिंग मशीनिंग मतलब भी जितने हमारे जो इसको इस पर ऑपरेशन किए जाते हैं वो हमारे बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये मन भावन रंग प्रदान करती है मतलब इसमें हमारे जो इसका कलर होता है वो हम कैसा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक है एल्युमिनियम। फर्स्ट धातु है हमारी एल्युमिनियम। हमारे इसमें चार ही है जो हम पढ़ेंगे ओनली। एल्युमिनियम है, जिंक है और एक दो और धातु है, उनके बारे में हमें पढ़ना है। फर्स्ट पढ़ते हैं हम एल्युमिनियम के बारे में। एल्युमिनियम 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 में एल्युमिनियम का मुख्य बैकसाइड है। फर्स्ट पॉइंट हमारा एल्युमिनियम का
मुख्य अयस्क क्या है? बैकसाइड, बैकसाइड है, ठीक है भाई। जो Al2O3 डॉट 3H2O Al2O3 डॉट H2O का मिश्रण होता है, का मिश्रण होता है, ठीक है। भारत में बैकसाइड में, भारत में बैकसाइड, बैकसाइड में फर्स्ट है हमारा Al2O3, Al2O3 एल्यूमिना, एल्यूमिना, इसको हम क्या बोलते हैं Al2O3 को? एल्यूमिना। ये हमारा होता है इसमें 60.3% लगभग, ठीक है भाई। सेकंड सिलिका, SiO2 सिलिका जो होती है वो होती है हमारी 1%। टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड ये होती है हमारी इसमें 12%। लोहा ऑक्साइड Fe2O3, लोहा ऑक्साइड जो है वो होती है हमारी 4.5% तक होता है, ठीक है। बैकसाइड के अलावा K2O Al2O3 डॉट 3SiO2, ठीक है, क्रायोलाइट आदि भी एल्यूमिनियम के क्या है? अयस्क है। अब देखो भारत में अयस्क, भारत में एल्यूमिनियम अयस्क के स्रोत कहाँ कहाँ है, ठीक है। सबसे पहले एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं अयस्क है वो हमारा क्या होता है? बैकसाइड होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम का हमारा मुख्य अयस्क क्या होता है? बैकसाइड होता है, जो Al2O3 डॉट 3H2O एवं Al2O3 डॉट H2O का मिश्रण होता है, ठीक है। भारत में जो हमारा बैकसाइड बनता है प्रकार बनता है Al2O3 एल्यूमिना हमारा कितना होता है? 60.3% लगभग। SiO2 सिलिका जो होती है हमारी 1% होती है, और हमारा TiO3 हमारा जो होता है टाइटेनियम ऑक्साइड 12% होती है, और हमारा जो Fe2O3 लोहा अयस्क होता है वो होता है हमारा 4.5%, ठीक है। इसके बाद जो हमारे भारत में ज्यादा पाया जाता है एल्यूमिनियम, भारत में बैकसाइड से प्राप्त किया जाता है, जो हमारा एल्यूमिनियम है वो भारत में हमारा बैकसाइड से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, बैकसाइड से ही प्राप्त किया जाता है। इसके मुख्य स्रोत हमारा रांची झारखंड में है, जमुनानगर में है, कच्छ गुजरात में है, कलोहापुर महाराष्ट्र में है, जबलपुर बालाघाट मध्य प्रदेश में है, पूंछ एवं जम्मू कश्मीर में है, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में है। भारत में लगभग 2462 टन से अधिक का भंडार अयस्क के रूप में संचित है। भारत में जो है हमारा 2462 टन से अधिक का भंडार अयस्क के रूप में क्या है? संचित है। भारत से जापान और यूरोपियन देशों को बैकसाइड का क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है, मतलब हमारे यहाँ से भेजा जाता है। और उड़ीसा में सबसे अधिक बैकसाइड का भंडार है। उड़ीसा में कोई पूछा आपसे सबसे ज्यादा हमारा जो बैकसाइड का भंडार है जिससे हमारा एल्यूमिनियम बनता है वो कहाँ है? रांची में है। भारत में एल्यूमिनियम उत्पादन के
मुख्य कारखाने कहाँ कहाँ स्थित है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे भारत में एल्यूमिनियम उत्पादन के कारखाने निम्नलिखित है। नंबर वन है हमारा हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, सबसे फर्स्ट पर आता है हमारा हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। सेकंड है हमारा नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। थर्ड है हमारा भारत एल्यूमिनियम कंपनी। फोर्थ है हमारा इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी। फिफ्थ है हमारा मेल्को और सिक्स्थ है हमारा स्टारलाइट इंडस्ट्रीज में, ठीक है। इसके बाद हमारा इसके बाद इसका जो आरेख है, मतलब ये किस किस तरीके से लोहे को जो हमारा एल्यूमिनियम बनता है वो किस प्रकार बनता है देखिएगा, नहीं बता देता हूँ आपको। इसका डायग्राम बना के तब मैं आपको बताता हूँ, रेखीय डायग्राम होंगे, ठीक है भाई। फर्स्ट एल्यूमिनियम अयस्क, फर्स्ट हमारा होगा एल्यूमिनियम अयस्क, इसको हम बोलते हैं बॉक्साइट, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या होगा इसकी अयस्क ड्रेसिंग, अयस्क ड्रेसिंग, ठीक है। इसके बाद हमारा होगा इसका शुद्धिकरण, शुद्धिकरण। इसके बाद हमारा होगा इसका विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। फिर इसके बाद हमारा होगा इसका, इसके बाद हमारा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। इसके बाद हमारा क्या बन जाएगा ये एल्यूमिनियम, ठीक है भाई। सबसे पहले हमारा क्या होगा, हमें जो एल्यूमिनियम का अयस्क बैक साइड मिलेगा, बैक साइड से फिर हम क्या करेंगे उसका अयस्क ड्रेसिंग करेंगे। फिर जो हमारा आएगा उसका हमें क्या करना पड़ेगा, शुद्धिकरण करना पड़ेगा। शुद्धिकरण करने के बाद हम उसकी क्या करेंगे, विद्युत अपघटन, और विद्युत अपघटन के बाद हमारा क्या बन जाएगा, वो एल्यूमिनियम बन जाएगा। सबसे पहले हमारा जो है इसकी अयस्क ड्रेसिंग किस प्रकार होगी, इसमें अयस्क को रोल्स, इसमें अयस्क को रोल्स या कर्सर, हेमर मिल आदि में पीसकर छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। अयस्क ड्रेसिंग में हमारा जाता है उसको रोलिंग में या हेमर मिल में क्या करते हैं, पीसकर उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं। फिर उसका क्या किया जाता है, हमारा शुद्धिकरण। शुद्धिकरण में क्या किया जाता है, बायर विधि द्वारा अयस्क से अशुद्धियों को हटाकर शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त किया जाता है। बायर प्रोसेस के द्वारा हम क्या करते हैं उसमें से अशुद्धियों को क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं, ठीक है। बायर प्रोसेस के द्वारा हम अशुद्धियों को क्या करते हैं, दूर कर देते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं, शुद्ध एल्यूमिना निकालते हैं। क्या निकालते हैं, शुद्ध एल्यूमिना निकालते हैं, Al2O3, ठीक है। शुद्ध एल्यूमिना क्या करते हैं, यहां से निकालते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं, विद्युत अपघटन के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। उसको क्या किया जाता है, विद्युत अपघटन के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। इसमें विद्युत अपघटन में देखो क्या किया जाता है इसका, इसमें हॉल ट्रायड विद्युत अपचायक की उपस्थिति में एल्यूमिना को अपचयित कर एल्यूमिनियम किया जाता है। अपचयन अभिक्रिया प्रकार से होती है। इसके बाद हमारे आते हैं इसके एल्यूमिनियम के गुण, ठीक है भाई। इसके बाद हमारा क्या आता है, एल्यूमिनियम के गुण। भौतिक गुण फर्स्ट, यह चांदी जैसी सफेद धातु है। यह क्या है, चांदी जैसी सफेद धातु है। सेकंड है हमारा, यह हल्की धातु है। यह हल्की धातु
है जिसका घनत्व लोहे का एक तिहाई होता है, एक तिहाई 2.7 होता है। इसका गलनांक तापमान थर्ड, इसका गलनांक होता है, और का यह ऊष्मा का सुचालक होता है, यह है होता है। ठीक है भाई, ये हमारा क्या होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है। इसके भौतिक गुण में यह हल्की धातु है जिसका घनत्व लोहे का एक तिहाई 2.7 होता है, इसका क्या होता है, बहुत अच्छा सुचालक है। इसके बाद इसकी आती है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मतलब डक्टाइल और मैलेबल धातु है तो क्या होती है, यह विद्युत का क्या होता है, सुचालक है। जो हमारा एल्युमिनियम है वो विद्युत का क्या है, सुचालक है। इसके बाद सेकंड है इसमें, इसमें चुंबकीय गुण नहीं होता। एल्युमिनियम में हमारा चुंबकीय गुण बिल्कुल भी नहीं होता, एल्युमिनियम में हमारा चुंबकीय गुण नहीं है। विद्युत के तार में भी इसका बहुत अधिक उपयोग होता है, खाद संस्करण, फूड प्रोसेसिंग उद्योग में, पाइप रोलिंग, छतें, चादर आदि में निर्माण किया जाता है। ठीक है भाई, इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट जो टॉपिक है जिंक, हम बात करते हैं जिंक के बारे में। अभी हमने पढ़ा है एल्यूमिनियम के बारे में, अब हम पढ़ते हैं जिंक के बारे में। एल्यूमिनियम हमारा किससे प्राप्त किया जाता है, बैक्साइड से प्राप्त किया जाता है, बॉक्साइड। ठीक है, सबसे पहले हम बॉक्साइट मिलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है जिंक या जस्ता, सेकंड है हमारा जिंक या जस्ता। ठीक है भाई, देखो जिंक का जो हमारा है वो किस प्रकार से, इसका रेखीय मैं आपको बना देता हूँ। फर्स्ट हमारा क्या आएगा इसमें, जिंक के अयस्क, जिंक अयस्क। इसके बाद में हमारा क्या बनेगा, इसका होगा सनाद्रण। इसके बाद हमारा इसका होगा जारण। इसके बाद हमारा से जस्ता, और कुछ साधारण जारण। इसके बाद अपचयन, इसके बाद हमारा होगा इसका शोधन, और इसके बाद हमारा क्या बनेगा, यो जस्ता। ठीक है भाई, ये इसका रेखीय है जिससे हमारा जिंक बनता है, इन प्रोसेस के द्वारा ही हमारा क्या बनेगा, जिंक बनना। ठीक है, सबसे पहले जिंक के जो मुख्य अयस्क है वो हमारा, सबसे पहले इसका जो आता है हमारा जिंक के जो मुख्य अयस्क होते हैं, मुख्य अयस्क इसके क्या है, फर्स्ट हमारा इसका मुख्य अयस्क है वो है जिंकाइट, जिंकाइट। फर्स्ट है हमारा जिंकाइट, इसको हम क्या बोलते हैं, जेड एन ओ। सेकेंड है हमारा कैलामाइन, कैलामाइन को हम क्या कहते हैं, जेड एन सी ओ थ्री। ठीक है, इसके बाद हमारा जो जिंक का थर्ड है इसका आता है वो है हमारा जिंक ब्लेड, ये हमारा जेन एस, जिंक ब्लेड। इन सभी एस्को का सामान्यतः 2 से 10% जिंक पाया जाता है, सामान्यतः इसमें क्या होता है हमारा, 2 से 10% हमारा क्या पाया जाता है, इसमें जिंक पाया जाता है।
सबसे पहला हमारा भारत में जो जिंक के स्रोत हैं, जो हाँ हमारा जिंक पाया जाता है भारत में, हमारा कहाँ कहाँ जिंक पाया जाता है भारत में, जिंक जस्ता मुख्य रूप से राजस्थान में पाया जाता है। मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है जिंक हमारा, राजस्थान में पाया जाता है। मुख्य रूप से हमारा जिंक कहाँ पाया जाएगा, राजस्थान में पाया जाता है। इसके अलावा झारखंड, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा मुख्य रूप से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जाता है, डाइट कंपनी का नियंत्रण है। ठीक है, जिंक का उत्पादन कैसे करते हैं, सबसे पहला हमारा जो इसमें है हमारे जिंक के अयस्क मुख्य अयस्क कौन कौन है, जिंकाइट है, कैलामाइन है और जिंक ब्लेड है। ठीक है, ये हमारे क्या अयस्क मुख्य अयस्क हो गए। मुख्य अयस्क को क्या करते हैं हम शराद्रण के लिए जो इसका उपयोग है वो हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्या करते हैं इसका प्लांटेशन विधि द्वारा किया जाता है। जिंक जो हमारे जिंक के अयस्क हैं इनको छोटे छोटे टुकड़ों में हम क्या करते हैं और ये किस विधि से किया जाता है, प्लांटेशन विधि से किया जाता है। उसके बाद हमारे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद इसका क्या करते हैं जारण, जारण में क्या होता है हमारा जारण में संदृढ़ अयस्क को, संदृढ़ अयस्क में उपस्थित सल्फर की मात्रा को कम किया जाता है। जो हमारी हमने जो हमारा जिंक अयस्क है, जिंक अयस्क को हमने क्या किया संदृढ़ में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा और किस विधि से तोड़ा हमने इसको, प्लांटेशन विधि से तोड़ दिया। इसके बाद जब इसे जारण के लिए भेजते हैं, ठीक है, जारण में हम क्या करते हैं इस मुक्त हो जाती है, अवमुक्त हो जाती है। ठीक है भाई, इसके बाद हमारा इसका हमारा क्या करते हैं इसका अपचयन करते हैं। जारित अयस्क को 1100 डिग्री सेल्सियस पर कार्बन की उपस्थिति में रिटार्ट विधि से ब्लैक फर्नेस विधि से जिंक के रूप में अपचयन के दौरान होने को ZnO+CO से हमारा क्या बनेगा Zn+CO2। फिर हमारा क्या होगा C+CO2 हमारा क्या बनेगा यहाँ पर टू सीओ बनेगा। ठीक है भाई, इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, इसके अलावा जिंक को विद्युत अपघटन विधि द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं अपचयन विधि के बाद हम क्या करते हैं शोधन करते हैं। इसका शोधन में क्या करते हैं विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त जिंक को शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, विद्युत अपघटन द्वारा अशुद्धियां होती है। ठीक है, शुद्ध गुण इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारा नीलापन लिए हुए उष्मा 1.14 जूल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में हमारा ये संरक्षण प्रतिरोधी मतलब कोलिजन रेजिस्टेंस होता है। इसके बाद हमारी इसकी जो थर्ड सेकंड प्रॉपर्टी विद्युत का क्या होता है बहुत अच्छा सुचालक होता है, इसमें तो भाई ये और हमारे क्या होते हैं इसके मुख्य अयस्क होते हैं। तो हमारा सबसे पहला मुख्य अयस्क है कॉपर पाइराइट, ये हमारे क्या इसके खंड में पाया जाता है, गया बिहार में पाया जाता है, राजस्थान प्रमुख इंडस्ट्री लिमिटेड है, इसमें होता है प्राप्त बाद उसका सनाधरण करेंगे, सनाधरण के बाद हमारा उसका क्या होगा होता है होता है। तो
होता है, जिसका अपेक्षित घनत्व होता है